Balmé Animation presents. धरती से आकाश की तरफ जाते हुए बादल हटते हुए नारद मुनि आकाश में घूम घूम के नीचे देखते हैं और बोलते हैं, बड़ी गंभीर समस्या है भाई, ये तो हमें भी मुख वस्त्र पहन लेना चाहिए। नारद जी ब्रह्मा जी के पास जाते हुए, नारायण नारायण प्रणाम परम पिता। दूर 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 से है पुत्रा नारद, सोशल डिस्टेंसिंग रखो भाई, कोरोना कितना बढ़ रहा है। वैसे मुझे सुबह से थोड़ा खांसी जुखाम सा फील हो रहा है। ओहो हो, ओहो हो। अच्छा अच्छा ब्रह्मदेवर, मैं बाद में आता हूँ। चल बेटा नारद, भाग ले यहाँ से। ब्रह्मा जी के सिम्टम तो कोरोना जैसे ही लग रहे हैं और उन्होंने मास्क भी नहीं लगाया था। अब नारद जी कैलाश की तरफ से जाते हुए देखते हैं कि माता पार्वती ने मास्क लगाया हुआ है और वो लिटिल गणेशा के पीछे भाग रही है मास्क हाथ में लेके। पुत्र गणेश, ज्यादा जिद नहीं करते अच्छे बच्चे, ये लो अपना मास्क लगाओ जल्दी से, बिना मास्क कहीं नहीं जाओगे तुम। नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा, मुझे सफोकेशन होती है इससे। अच्छा जी, तो फिर पिताजी से पूछो, उन्होंने भी तो लगाया हुआ है और मैंने भी। जानते नहीं हो कोरोना कितना फैल गया है हर जगह। अब गणेशा उनके पास जाते हुए पूछते हैं, पिताजी पिताजी मुझे ये मास्क नहीं लगाना है, आप तो भगवान हो, सब कुछ कर सकते हो, तो फिर इस कोरोना को भी खत्म कर दो ना, ताकि मैं बिना किसी मास्क के अपने मित्रों के साथ बाहर खेल सकूं। तभी नारद जी भी आते हैं और बोलते हैं, मेरा भी यही प्रश्न है प्रभु। शिव जी ने मास्क लगाया हुआ है, वो बोलते हैं, तुम दोनों ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर हम अपनी सुरक्षा खुद ही कर सकते हैं तो हमें किसी चमत्कार की क्या जरूरत। इस कोरोना को अगर हम मास्क पहनकर, बार बार हाथ धोकर और जगह जगह भीड़ ना लगा के और ना भीड़ में जाकर खत्म कर सकते हैं, तो क्या कुछ टाइम के लिए जब तक ये खत्म नहीं हो जाता ये सब करते रहे और खुद को और अपने परिवार को इस गंभीर बीमारी से बचाते रहे। इसीलिए पुत्र, किसी चमत्कार के चक्कर में मत पड़ो और खुद की सुरक्षा का जिम्मा खुद लो, तुम्हारा कल्याण होगा। Wear mask, keep social distancing, sanitize your hands regularly and kick the corona.